नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी कुछ दिन पहले जब ममता बनर्जी वाराणसी से कलकत्ता लौट रही थी, अखिलेश यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए आई थी, दो दिन रही थी वाराणसी में, और वापसी में उनको लगा कि उनके विमान में कुछ खराबी है, कुछ झटके वगैरह लग रहे हैं। और ये भी पता चला कि ममता बनर्जी की कमर में कुछ लोच आई है, परेशानी हुई है। तो कलकत्ता में लैंड करने के बाद उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि मौसम खराब होने की वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब लगभग वैसी ही शिकायत राकेश टिकैत ने की है। इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने ट्वीट में कहा है कि हैदराबाद से त्रिचीपल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइन नंबर 6E7213 शनिवार शाम 7:10 मौसम खराब होने की वजह से आसमान में कलाबाजियां खाने लगी। आधा घंटे तक मेरी और मुसाफिरों की जान आफत में रही। इतनी खतरनाक उड़ान की इजाज़त उचित नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको याद है जब प्राइम मिनिस्टर का काफिला रोका गया था पंजाब में और वो 20-22 मिनट तक खड़े रहे थे या खड़े रखे गए थे, एक ओवरब्रिज था उस पर उनका काफिला फंस गया था एक तरीके से, और तथाकथित किसान जो हैं वो सड़क पर आ गए थे प्राइम मिनिस्टर का रास्ता रोकने के लिए। प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि पर, और वहाँ से उनको जाना था फिरोजपुर रैली में, जहाँ वो पंजाब के लिए करीब 40-42 हज़ार करोड़ रुपये की घोषणा करने वाले थे अलग अलग योजनाओं की, लेकिन साजिशन उनको रोका गया। उनकी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए थे उस समय, और बाद में सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी हुआ उनकी जांच सुरक्षा में सेंध को लेकर के, और जो परिस्थितियां पैदा की गई थी प्राइम मिनिस्टर के लिए उसके पीछे कौन था इसकी जाँच के लिए। तब इन्हीं राकेश टिकैत और इनके जो दूसरे सहयोगी थे उनका कहना था कि इसकी जांच पड़ताल की ज़रूरत क्या है, यानी इस देश के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को खतरा हो तो उसकी जांच पड़ताल की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये अगर किसी यात्री विमान में भी यात्रा कर रहे हों बाकी मुसाफिरों के साथ और वो किसी ख़राब मौसम की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने लगे, जैसा कि आम तौर पर जितने भी लोग हवाई जहाज़ की यात्रा करते हों या करते रहे हों उनको पता है, जब मौसम ख़राब होता है, बादल वगैरह या ऊपर कुछ इस तरह का टर्बुलेंस आता है तो जहाज़ कांपने लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो व्यावसायिक जहाज़ हैं, जो यात्री विमान हैं, उनको बहुत कुशल पायलट चलाते हैं और वो ATC के संपर्क में रहते हैं, तो वो इन झटकों और ये जो ट्रबुलेंस होते हैं इनसे निकाल लाते हैं। हमने बहुत कम ऐसे प्रकरण सुने हैं जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो, ऐसे मामलों में हुए हैं लेकिन अधिकांश मामलों में वो सफलतापूर्वक विमान को निकाल लाते हैं। अब राकेश टिकैत क्या इतने डरपोक हैं? उनके साथ जाहिर है विमान में और बहुत सारे यात्री यात्रा कर रहे होंगे, बाकी तो किसी को इतना डर नहीं लगा। ये कह रहे हैं आधा घंटे तक यात्री विमान कलाबाजी खाता रहा, क्या ये संभव है? क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? हालांकि इंडिगो की तरफ से भी उस पर एक मैसेज आ गया है इनके ट्वीट पर, वो भी हम बताएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो राकेश टिकैत के इस ट्वीट पर और इनके घबराने पर
पूरी मौज ले ली है ट्विटर पर ही, सोशल मीडिया पर ही। बहुत सारे लोगों के ट्वीट आ गए हैं जिन्होंने राकेश टिकैत को खरी खोटी सुनाई है। एक बलिराम यादव हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली बॉर्डर पर समय पूर्व जान गंवाने वाले 700 निर्दोष व्यक्तियों की आत्माएं अपनी मृत्यु के वास्तविक दोषी से मिलने की कामना रखती हूं। कमलजीत चावला ने लिखा है, अरे साहब आपका तथाकथित बक्कल तो सलामत है ना। और एक प्रशांत हैं, उन्होंने लिखा है, फ्लाइट को पता चल गया होगा यात्रियों में एक बैठा है, इसलिए पलटी मारकर गिराने की कोशिश कर रहा होगा, उसमें जांच की क्या बात है, अपने कर्म की जांच कर ले, पता चल जाएगा। और एक एल के दुबे हैं, उन्होंने लिखा है कि क्या हुआ, बस कमर में मीठा दर्द हुआ होगा। और जो कुंडली बॉर्डर पर एक पंजाब के 36 साल के दलित को बेअदबी के नाम पर तलवारों से काट करके पुलिस बैरिकेड से लटका दिया गया था, उसका एक चित्र लगा करके एक विजेंद्र विनोद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक तड़पती आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है। देवेंद्र सिंह ठाकुर ने लिखा है कि किसान फ्लाइट में यात्रा कर रहा है, यही तो अच्छे दिन हैं। सोमेश्वर पिल्लई वो लिखते हैं, बहुत खेदजनक बात है कि भगवान गंदगी को साफ नहीं कर पाए, बहुत गुस्से में हैं, तब इन्होंने इस तरह की बात लिखी है। मोहित गुप्ता वो लिखते हैं कि किसान तो गरीब होता है, उसके पास फ्लाइट के पैसे कहाँ से आए। और प्रशांत उमराव हैं, उन्होंने लिखा कि आप इसके लिए आंदोलन करिए। विनीत सिंह ने कहा है कि हवा में ही धरने पर बैठ जाते, यानी हवाई जहाज से उतर करके वहीं धरने पर बैठ गए होते। और मनु है, उन्होंने पूछा है, त्रिचनापल्ली में के रिश्तेदारी है, त्रिचनापल्ली में किस लिए जा रहे थे। और एक हैं दैट मरीन गोय, उन्होंने लिखा है कि वहीं उतर के इनके बक्कल उतार देने थे, यानी हवाई जहाज वालों के। और एक शाहिद साहिल दैया वो लिखते हैं कि राकेश टिकैत आपको तभी आंदोलन शुरू कर देना था और एयरप्लेन को लैंड ही नहीं करने देना था जब तक नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट जांच के आदेश नहीं देते। बहुत सारे लोगों ने इनकी चुस्की ली है। एक हैं चंदू मुकेश हलारी @मुकेश हलारी, उन्होंने लिखा है कि पहले ममता जी और अब राकेश जी, शायद आप लोगों को अब उड़ना छोड़ देना चाहिए और जमीन पर आ जाना चाहिए, इससे बहुत सारे नागरिकों की जान बच जाएगी और किसी प्रकार की जांच की भी आवश्यकता नहीं होगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी में सबकी भलाई है। और एक आपको याद होंगे राहुल गांधी के गुरु हैं, उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि हुआ तो हुआ 1984 के दंगों को लेकर के, तो इस पर यानी राकेश के टिकैत पर और जो आधा घंटा उनके हवाई जहाज ने कलाबाजियां खाई हैं उस पर किसी ने, रितेश कुमार हैं और उन्होंने ये तस्वीर दे दी कि हुआ तो हुआ। और एक निरंजन कुमार हैं, लिखते हैं कि तुम्हारी वजह से सारे मुसाफिरों की जान खतरे में आ गई, इंडिगो का जहाज तुम्हें ला देने को तैयार नहीं था,
फिर भी ज़बरदस्ती बैठ गए। जो इंसान चलता फिरता पनौती हो उसे कोई भी झेलने को तैयार नहीं होता। और इंडिगो की तरफ से एक बयान आ गया है, उन्होंने राकेश टिकैत को रिप्लाई किया है। उन्होंने लिखा है कि साची है जिसकी तरफ से ये बयान आया है कि सर वी वुड लाइक यू एश्योर यू दैट सेफ्टी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड आवर पायलट्स आर वेल ट्रेन्ड फॉर ऑल सच सर्कमटांसेस। यू आर इन सेफ हैंड्स। फर्दर वी हैव शेयर्ड दिस विद द कंसर्न टीम ऑफ रिव्यू। उन्होंने कहा कि हमारे पायलट जो हैं वो ट्रेंड हैं और आप सुरक्षित हाथों में थे, फिर भी आपने जो कुछ लिखा है इसे हम रिव्यू के लिए टीम को भेज रहे हैं। आई एम मोदी करके एक हैं @जगदीश, इन्होंने लिखा कि ये तो ट्रायल था, असली काम बाद में होगा। एक प्रदीप रावल हैं, वो लिखते हैं ऐसा लगता है कि देश की संवैधानिक व्यवस्था नागरिकों के जीवन अधिकारों देश गौरव को किसान आंदोलन की आड़ में तहस नहस करने की आपकी कलाबाजियों से वो जहाज़ भी प्रेरित था, इसलिए आपको मौका दिया कि बीच आसमान में आप वही पुरुषार्थ दिखाएं। आप मौका चूक गए वरना अंतर्राष्ट्रीय इनाम तय था। एक DL पटेल हैं, उन्होंने भी वो सारे जो चित्र हैं दिए हैं अपने जवाब के साथ, जिनमें ये कुंडली बॉर्डर की डेड बॉडी भी है, जिनमें राकेश टिकैत कोरोना वायरस का टीका भी लगवाते हुए, कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए, और इनका गाजीपुर बॉर्डर पर विलाप करते हुए रोते हुए फोटो भी दिया है। उसमें DL पटेल लिखते हैं कि ख़राब मौसम में होता है, इजाज़त दी है तो इतने ख़राब हालात भी नहीं होंगे, तब इजाज़त दी होगी उड़ान की। कुछ अमंगल भी हुआ नहीं तो जांच किस बात की। और उन्होंने सवाल पूछा है कि लाल किला बेअदबी, आंदोलन में जिंदा जलाया, आंदोलन में हाथ काट करके टांग दिया, रोंदा, एक ने बाकी के तीन को बेरहमी से क्यों मारा, इसकी जांच पहले करो, तब जहाज के कलाबाजियों की जांच की मांग करो। एक भारतवासी हैं @SirAshutoshK, उन्होंने लिखा है कि चल झूठे आधे घंटे कलाबाजी, वो भी हवाई जहाज 1 अप्रैल मना रहा है क्या? अगर ऐसा हुआ है तो ये एयरलाइन को मेरी गो ड्रैगन ट्रेन ब्रेक डांस टोरा टोरा सभी राइड का पैसा वसूल करनी चाहिए और सबसे पहले सीट चेक होनी चाहिए। और ये ख़राब मौसम की जांच कौन करेगा? एक हैं @11kVolt और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का नाम रखा है लंगड़ा त्यागी। इन्होंने लिखा है कि देखो चचा टिकैत, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि खालिस्तानी और मंडी के दलालों से मिलकर आपने कृषि कानून वापसी कराई और किसानों के साथ जो दगाबाजी की है उससे किसान बहुत बद्दुआ दे रहा है और ये बद्दुआ ज़रूर फलेगी। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना कि कृषि कानून क्या वाकई इतने ख़राब थे। और राष्ट्रवादी बालियान ने लिखा है कि जब मीडिया में आने की ललक बन जाए तो तेज हवा का चलना भी साजिश लगने लगती है। वैसे कहीं पायलट को पता तो नहीं था कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाले प्लेन में बैठे हैं, तो कुछ इनकी पैंट गीली ही करा दी जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। संजय बालियान ने लिखा है कि डरो मत, ये योगी जी की जीप थोड़ी ही है जो पलट जाएगी, ये मोदी जी की प्लेन है और मोदी जी तो बक्कल उतारते हैं। विपिन ने लिखा है कि लगता है टिकट का पैसा तुम्हारा नहीं था क्योंकि तुम गरीब किसान हो जिसके पास खाने के पैसे नहीं, एक साल तक आंदोलन में देश विरोधियों का खाया और देश के खिलाफ रहे
26 जनवरी भारत को तुम्हारी करतूत देश नहीं भूला है। बहुत सारे लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं इनके ट्वीट पर। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।